तो बाहरी लोग हैं उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है कि हालत जो है एनडीए की वो नाजुक है। शारीरिक रूप से जो है उनको चोट लगी है। ये लोग नीतीश कुमार जी के बिना वहाँ नहीं पहुँच रहे नीतीश जी, उसके बाद भी इनकी हालत खराब है। बात फालतू की बात करे जो करना है, कुछ होता है इन लोगों से। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में मोकामा और गोपालगंज हॉट सीट बन चुका है। दोनों सीट पर बीजेपी एक तरफ बता रही है कि जीत सुनिश्चित है, तो वहीं महागठबंधन भी अपनी जीत सुनिश्चित बता रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से लगातार सरकार को घेर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, उसी तरीके से वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जो है करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से लोगों को बुलाया जा रहा है और इस प्रचार में काफ़ी लोगों को बुलाकर प्रचार करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरीके से डर चुकी है, अब जो है चिराग का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री चोटिल हैं और उन्हें जो है चोट लगी है, इसके वजह से वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच ज़रूर वीडियो के ज़रिए मैसेज जाएगा और बीजेपी कहीं ना कहीं डर चुकी है और इसको लेकर वो अखबारों की पार्टी है, मीडिया की पार्टी है। ये तमाम बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है और किस तरीके से हमला करते हुए जवाब दिया है। और कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम महागठबंधन के नेता तीन सभा करेंगे और तीनों सभा में गोपालगंज और मोकामा तीनों सभा में शामिल होंगे एक साथ और एक मंच पर महागठबंधन के तमाम नेता दिखेंगे। यानी कह सकते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किस तरीके से बीजेपी को जवाब दिया है चिराग को प्रचार करने को लेकर, वहीं बाहरी राज्यों से भी लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा है। ये तमाम बातें किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, जरा पहले वो सुने। जो है ढीला हो गया है, अब पड़ोसी राज्यों से लोगों को बुलवाया जा रहा है। जो बाहरी लोग हैं उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना। पता नहीं कौन कौन लोग आएगा, कौन कौन लोग प्रचार करेगा, सब सब लोगों का अपना अधिकार है, अपना प्रचार करता रहता है। यानी स्पष्ट हो गया कि हालत जो है एनडीए की वो नाजुक है और जीतने वाले लोग नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। इसमें आप जा रहे हैं मुकामा कल, आप कल जाएंगे? आदरणीय ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सिद्दीकी जी, जो है तीन सभा है, दो मोकामा में, गोपालगंज। नहीं, उनका संदेश जो है, देखिए शारीरिक रूप से जो है उनको चोट लगी है और उनका संदेश जो है लगातार, वो तो कहीं रहे बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे लोगों से बात कर रहे हैं और संदेश भी कुछ देर बाद जो है वीडियो के माध्यम से भेज देंगे दोनों जगह के लोगों से, मतदाताओं से। लेकिन आप समझ जाइए ना, ये लोग नीतीश कुमार जी के बिना वहाँ नहीं पहुँच रहे नीतीश जी, उसके बाद भी इनकी हालत खराब है, समझ रहे हैं। तो महागठबंधन जो है नीतीश जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और चुनाव ही महागठबंधन लड़ रहा है, तो इसमें कहाँ दो राय है। 40 नेताओं को उतारने के बाद क्या जोत पड़ गई बीजेपी को कि चिराग पासवान को लाना पड़ा? पहले 40 नेताओं हालत खराब है भाई, बोल तो रहे हैं पड़ोसी राज्य के भी कौन कौन लोग आ रहे हैं, सब लोगों को आपके प्रत्याशी पर करें कि मुकदमा कर रहे हैं, आपके गोपालगंज के प्रत्याशी पर करें कि मामला छुपाने करें कि मुकदमा दर्ज करें। बात फालतू की बात करे जो करना है, कुछ होता है इन लोगों से, कुछ दम है जो लोग कह रहा है, खाली डराता है, धमकाता है और अफवाह फैलाता है, सब अफवाह पार्टी है भाई। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सोच लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, तब एनडीए की हालत इतनी ख़राब है, अगर वो खुद चले जाते तो क्या होता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों के संदेश जरूर जाएंगे जनता के बीच और जीत हमारी सुनिश्चित है, क्योंकि बीजेपी अखबार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डर चुकी है, ये कहना तेजस्वी यादव का।
ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।